नमस्कार, द फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। मैं विकास, आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की और जानेंगे आज का दिन क्यों है इतिहास में खास। प्रश्न एक, अमेरिका ने ईरान के किस संस्था पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी आरपीएम बैंक, ऑप्शन डी ईरानी मुद्रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक। सऊदी अरब में तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने कड़ा कदम उठाते हुए ईरान के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरब में अब कैक तथा खुरैस में सऊदी अरामको कंपनी के तेल प्रसंस्करण स्थल पर ड्रोन द्वारा हमला किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा ली गई थी, लेकिन सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में जो ड्रोन और मिसाइलें इस्तेमाल की गई थी वे ईरान में बनाई गई थी। अमेरिका भी इस हमले में ईरान की भूमिका पर सहमत है, वहीं ईरान ने अपने आप को इस हमले से अलग किया है। प्रश्न दो, 92वें ऑस्कर में भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजी गई है? ऑप्शन ए बाटला हाउस, ऑप्शन बी गली बॉय, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी साहू। सही उत्तर है ऑप्शन बी गली बॉय। बॉलीवुड की फिल्म गली बॉय 92वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। इस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। इस फिल्म का निर्देशन जोया अख्तर द्वारा किया गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने मुख्य भूमिका निभाई है। 92वें ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलस में 9 फरवरी 2020 को किया जाएगा। अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवर की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑस्कर विश्व के प्रमुख पुरस्कार समारोह में से एक है। यह मीडिया का सबसे पुराना पुरस्कार समारोह भी है। प्रश्न तीन, भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार सकने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अस्त्र, ऑप्शन डी ब्रह्मास्त्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्त्र। भारतीय वायुसेना ने दूर हवा से हवा मार कर सकने वाली स्वदेशी निर्मित मिसाइल BVRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र के 5 सफल परीक्षण किए। यह परीक्षण 16 से 19 सितंबर 2019 के दौरान किए गए हैं। इस मिसाइल का परीक्षण विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया गया। मिसाइल ने वॉरहेड के साथ अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। इस मिसाइल से भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। अस्त्र मिसाइल दृश्यमान रेंज से दूर हवा से हवा में मार सकने वाली स्वदेशी निर्मित मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। यह DRDO द्वारा निर्मित सबसे छोटे वेपन सिस्टम में से एक है। इसकी लंबाई 3.8 मीटर है तथा इसका भार 154 किलोग्राम है। यह एक सिंगल स्टेज मिसाइल है। इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल में 15 किलोग्राम विस्फोटक लिया जाया जा सकता है। इस मिसाइल को अलग अलग ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 4 मैक ध्वनि की 4 गुना तेज गति से अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में एक्टिव रडार टर्मिनल, गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर ECCM तथा स्मोकलेस प्रोपल्सन जैसे फीचर है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सहायता से यह मिसाइल दुश्मन रडार के सिग्नल को जाम कर सकती है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लगभग सभी लड़ाकू विमानों जैसे Sukhoi-30, MKI, Mirage 2000, MiG-29, Jaguar तथा तेजस में उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न चार, केंद्र सरकार ने किस कर की दर में कमी की है? ऑप्शन ए कॉरपोरेट कर, ऑप्शन बी हाउसिंग टैक्स, ऑप्शन सी जल कर, ऑप्शन सी सीमा कर। सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉरपोरेट कर। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती की है। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर को 34.94% से कम करके 25.17% किया गया है। नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 15% होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 तथा वित्त संख्या 2 अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए कराधान
कानून संशोधन अध्यादेश 2019 लाया है। यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गोवा में 37वीं GST परिषद की बैठक में की गई। आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि कोई कंपनी छूट अथवा इंसेंटिव का उपयोग नहीं करती है तो 22% की दर से आयकर अदा कर सकती है। अब घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स दर 25.17% सरचार्ज तथा सेस सहित होगी। इन कंपनियों को अब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। नए प्रावधान के अनुसार यदि 1 अक्टूबर 2019 या इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेशक के साथ किसी घरेलू कंपनी की स्थापना की जाती है और वह कंपनी 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन कार्य आरंभ करती है तो उसे केवल 15% कर देना होगा। प्रश्न 5, मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए किन संस्थाओं ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए DRDO और नासा, ऑप्शन बी नासा और इसरो, ऑप्शन सी नासा और गूगल, ऑप्शन डी इसरो और DRDO। सही उत्तर है ऑप्शन डी इसरो और DRDO। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO मानव अंतरिक्ष के लिए ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स के विकास के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो ने 2022 तक भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में मानवीय अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखा है। इसरो के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मंडल तथा DRDO लैब्स के बीच मानवीय अंतरिक्ष उड़ान के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। DRDO द्वारा अंतरिक्ष भोजन, स्पेस क्रू के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग, आपातकालीन किट, क्रू मॉड्यूल की सफल रिकवरी के लिए पैराशूट, रेडिएशन मापन तथा सुरक्षा आदि के लिए किट्स इसरो को उपलब्ध कराए जाएगी।
अभी हमने जाना करंट अफेयर और आज का दिन इतिहास में क्यों है खास, और आगे के अपडेट के लिए बने रहे द फुल वॉल्यूम के साथ।